देवरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। थाना बनकटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 200 पेटी देशी शराब पकड़कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देवरिया के आखिरी पूर्वी छोर पर स्थित चेक पोस्ट से पुलिस ने लग्जरी वाहनों से लाखों की शराब बरामद की। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी क्योंकि वहां शराबबंदी है। इसमें वहां शराब के तस्करों के अच्छे दाम मिलते हैं। रविवार को हल्का दरोगा संजय सिंह चंदेल पुलिस बल के साथ प्रतापपुर बाजार स्थित पुलिस चौकी के निकट वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी एक साथ 4 गाड़ियां आती दिखाई दी। पुलिस बल ने वाहनों के पेपर मांगे तो गाड़ियों में सवार तस्करों के पसीने छूटने लगे। पुलिस को वाहन संदिग्ध लगा तो उन्होंने चेकिंग की तो सभी गाड़ियों से बंटी बबली शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। आपको बताते चले, 4 लग्जरी वाहनों में 2 स्कॉर्पियो, 1 टाटा सफारी, 1 हुंडई सेंट्रो वाहन में 200 पेटी देशी शराब बंटी बबली छुपाकर रखी गई थी, जिसकी मार्केट की कीमत 9 लाख बताई जा रही है। बनकटा पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से आकाश कुमार जनपद सिवान, अमृतांश उर्फ सनी सिंह जनपद सिवान बिहार, कृष्ण कुमार जनपद सिवान बिहार, कुमार गौरव उर्फ सुजीत, राहुल कुमार, प्रिंस कुमार जनपद सिवान। इन 6 अभियुक्तों, वाहनों व शराब सहित पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही की गई। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। ये देवरिया पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर स्थित प्रतापपुर चेक पोस्ट पर 4 लग्जरी वाहनों से उत्तर प्रदेश से बिहार में तस्करी की जा रही लगभग 200 पेटी शराब को बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जो ये शराब बरामद हुई है उसकी बाजारों कीमत लगभग 9 लाख रुपये है और 4 लग्जरी वाहन पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं और 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है।